हेलो क्लास टुडे वी विल डू चैप्टर एटीन पोल्यूशन आ ग्लोबल थ्रेड, इट इज ऑन पेज नंबर टू ट्वेंटी फाइव ऑफ योर साइंस बुक एज वी ऑल नो दैट पोल्यूशन इज अ ग्लोबल थ्रेड, ओके प्रदूषण एक गंभीर बीमारी आज विश्व में फैली हुई है ओके okay. पॉल्यूशन विश्वव्यापी एक संकट है जो सारी कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल सेम है तो पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक भी है जिस पर हम काफ़ी कुछ आ, पहले भी एक्टिविटी स्कूल टाइम में कर चुके हैं चाहे वो स्पीचेस हो चाहे वो प्ले हो चाहे वो कोई प्रोग्राम हो तो पोल्यूशन पर हम काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ कर चुके हैं जिससे आपको पोल्यूशन क्या है क्यों फैलता है कैसे होता है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको ऑलरेडी है तो चलिए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अ प्लानिट राइटली रेफर टू एज मदर अर्थ प्रोवाइड विद अ वास्ट रिजर्व ऑफ़ नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारी जो अर्थ है हमको काफ़ी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है दीज रिसोर्सेज अस टू नॉट ओनली सर्वाइव बट ऑल्सो फुलफिल आर नीड्स यही रिसोर्सेज हमारी हर जरूरतों को पूरा करती हैं ओके okay, ये हमें सॉइल प्रोवाइड कराती है एयर प्रोवाइड कराती है जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं अर्थ इज द ओनली प्लानट नोन टू हैव एयर एंड वाटर विच मेक लाइफ पॉसिबल द अर्थ वुड बी अनेबल टू सस्टेन लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर बिना एयर और वाटर के मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपनी जिंदगी को इमेजिन भी कर सकते हैं विद एयर पोन नीट टू टेक केयर ऑफ दी स्प्रेशियस रिसोर्सेज अब हम सब जानते हैं कि एयर वाटर जितनी भी ये रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसोर्सिज हैं हमें नेचर से मिली हुई हैं ये कितनी कीमती हैं और इन सब को बचा के रखना हमारा काम है सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विदाउट एयर वी वुड नॉट नो एनर्जी वी वुड गेट नो एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल्स सच एज कोल एंड वुड एज दे वुड नॉट बर्न तो भाई आप ये बताइए कि बिना एयर के यानी कि ऑक्सीजन के क्या आप अपनी जिंदगी को इमेजिन कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते द एयर वी ब्रीथ इज इन यूज टू ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट अब जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं वही हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है हमारे खाने से जो हम खाना खाते हैं हम जो खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है दिस एनर्जी इनेबल्स आर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज एयर कंसिस्ट ऑफ सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन तो हमारी एयर में सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है ट्वेंटी वन ऑक्सीजन है और वन परसेंट बाकी की गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन क्रिप्टन और वाटर वेपर द कम्पोजिशन ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज without water for some hours but we cannot survive without air even for a few minutes आप खाने के बिना कुछ समय तक रह सकते हो आप पानी पिए बिना कुछ समय तक रह सकते हो पर सांस लिए बिना आप एक मिनट भी नहीं रह सकते We breathe in the air present in our surroundings. So it is important that we keep our surroundings clean and inhale fresh and clean air. तो हमें अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है बिल्कुल साफ सुथरी एयर ही हमें इन्हेल करनी है हाउ डू यू नो वॉट काइंड ऑफ एयर यू आर ब्रीदिंग एयर इज ऑर्डरलेस कोई खुशबू नहीं होती एयर में हाउ एवर वेन यू गो नियर द केमिस्ट्री लैब इन योर स्कूल यू ऑफन ऑब्जर्व अ स्ट्रेंज स्मेल समटाइम्स वेल वॉकिंग ऑन अ कंजेस्टेड रोड यू स्टार्ट कफिंग ड्यू टू द ब्लैक स्मोक एमिटेड बाय द व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड दीज आर इंडिकेटर्स दैट द एयर अराउंड यू इज़ नॉट फ्रेश देखो अगर आप बिल्कुल सुबह सुबह चार बजे पाँच बजे छः बजे तक भी अगर आप बाहर गार्डन में जाकर या खुली जगह पर जाकर सांस लेंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश एयर आएगी ओके okay? किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं महसूस होगी पर आप एक केमिस्ट्री लैब के बाहर से निकल कर देखिए बड़ी ही अजीब टाइप की स्मेल्स आपको आएँगी उसके अलावा आप आ, ऐसी जगह पर एक कंजेस्टेड रोड हो जहाँ पर इंडस्ट्री हो या बहुत सारे व्हीकल्स हों उनसे धुआं निकल रहा हो तो आपको खांसी सी महसूस होगी और पेट्रोल डीजल और पता नहीं क्या क्या आपको स्मेल महसूस होगी उस हवा में जब हवा में आपको स्मेल महसूस हो रही है तो आप समझ जाइए कि जो सांस आप ले रहे हैं वो फ्रेश नहीं है दीज आर इंडिकेटर्स दैट द एयर अराउंड यू इज़ नॉट फ्रेश यू माइट हैव हर्ड पीपल टॉकिंग ऑफ गोइंग टू अ पार्क टू गेट सम फ्रेश एंड कूल एयर वॉट मेक्स द एयर इन द पार्क फ्रेश एंड कूल तो सब लोग जाते हैं सिटी में तो ज़्यादातर ये ट्रेंड है कि भाई कहाँ जा रहे हो अरे थोड़ी सी खुली सांस लेने जा रहा हूँ पार्क की तरफ़ या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो ऐसी क्या इसमें तो मैंने फिर भी पेड़ पौधे आपको हिंट दे दी अब आप अपने दिमाग से दोबारा से एक लॉजिक लगाइए कि अगर कोई कह रहा है आपसे कि मैं पार्क जा रहा हूँ टहलने के लिए तो पार्क में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पार्क की एयर अच्छी है और पार्क से बाहर निकलते ही आपको दोबारा धूल मिट्टी प्रदूषण और गंदी सी स्मेल वाली एयर आना शुरू हो जाएगी यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन सम प्लेसेस वॉट कुड बी द कॉज प्लेसेज सच एज केमिकल फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड इट हार्मफुल गैसेज डस्ट स्मोक एंड फ्यूम्स द प्रेजेंस ऑफ दीज सब्सटेंसेज इन द एयर मेक्स इट अनक्लीन एंड अनफिट फॉर ब्रीथिंग when the air gets contaminated by the presence of undesirable substances released into it due to natural or human made causes it is called air pollution the unwanted substances which cause air pollution are called air pollutants ab aap kai sari aisi jagah bhi visit karte honge jaate honge ya dekhi hongi जहाँ पर आपको सांस लेने में बड़ी घुटन सी महसूस होती है दिक्कत होती है और आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि मम्मी जल्दी से निकलो यहाँ से सांस नहीं आ रही है अच्छे से तो ऐसी जगह आपको मिलेगी जहाँ पर ज़्यादा व्हीकल्स चल रहे होंगे रोड ज़्यादा बिजी होगा इंडस्ट्री होगी क्योंकि उनमें से निकल रहा होगा धुआँ पोल्यूटेड जितनी भी एयर होगी वो उसमें से निकल रही होगी और वही बाकी की एयर को भी पोल्यूट कर रही होगी उसमें से स्मोक निकल रहा होगा उसमें से डीजल पेट्रोल मिक्स हुआ धुआँ निकल रहा होगा उसमें से कार्बन निकल रहा होगा है ना तो जितने भी इस तरीके के अनवांटेड पार्टिकल होते हैं जो एयर में मिल जाते हैं और एयर को खराब करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन और ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर को खराब करते हैं उनको बोलते हैं हम एयर पोल्यूटेंट्स नो कॉजिज ऑफ एयर पोल्यूशन तो इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें तो मुझे आप ही बता दीजिए कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है एयर पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएँ से गाड़ियों के निकलने वाले धुएं से इसके अलावा केमिकल्स uh, को जलाने से या कोई ऐसी चीज़ जलाने से जो केमिकल की बनी हुई है ठीक है तो इस तरीके से अनवांटेड सब्सटेंस एयर में मिल जाते हैं और फैलाते हैं एयर पोल्यूशन तो चलिए देखते हैं एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम दैट एवरी शुड बी कंसर्न अबाउट एज इट अफेक्ट्स एवरीबडी इन सम वे और द अदर एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसको जिसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट नुकसान ये सबको पहुंचाता है गेटिंग ऑफ फ्रेश एयर हैज़ बिकम इम्पॉसिबल इन टुडे इज़ वर्ल्ड बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एयर इन आर सिटीज़ इज एनीथिंग बट फ्रेश एयर पोल्यूशन रिजर्व फ्रॉम अ वायटी ऑफ कॉजेज नॉट ऑल ऑफ विच आर विद इन ह्यूमन कंट्रोल नेचुरल कॉजेज सच एज डस्ट स्टॉम्स इन डेजर्ट एरियाज वॉलैनिक्रप्शन एंड फॉरेस्ट फायर आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन द सोर्स ऑफ पोल्यूशन मे बी इन वन प्लेस बट द इम्पैक्ट मे वी फेल्थ एल्स अब ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स की ही एक्टिविटी से एयर पोल्यूशन होता है कुछ नेचुरल फिनोमेना भी ऐसे हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है जैसे कि जंगलों में आग लगना उससे जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है इसके अलावा ज्वालामुखी यानी कि वॉल इरप्शन होना उससे भी जो गैसेज निकलती हैं उससे भी एयर पोल्यूट होती है वहाँ के आसपास की ओके डेजर्ट एरिया में जो रेत के तूफान आते हैं उनसे भी एयर पोल्यूट होती है तो एयर पोल्यूशन होता एक जगह है अगर हम माने अरे इंडस्ट्री तो इतनी दूर है फिर यहाँ पे पोल्यूशन कैसे है तो देखो एयर पोल्यूशन ऐसी चीज़ है जो कहीं भी हो दुनिया में कहीं भी हो उसका असर हर जगह देखने को मिलता है तभी तो पोल्यूशन हम यहाँ कॉन्टिनेंट्स पे कर रहे हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही है द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड आर ऑन द रोड यू कैन एक्चुअली सी द एयर गेटिंग पोल्यूटेड अ क्लाउड ऑफ स्मोक फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ अ बस कार स्कूटर स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री चिमनी और दैट जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट एंड स्पीडिंग कार्स कॉजिंग डस्ट टू राइज फ्रॉम द रोड्स अब आप एक काम करिएगा इस इस एक पैराग्राफ को समझने के लिए अपने घर से निकलिए मेन रोड पर जाइए देखिएगा क्या हो रहा है रोड्स चल रही हैं रोड्स का मतलब उस पर वाहन चल रहे हैं बसेज चल रही हैं ट्रैक्टर्स चल रहे हैं ऑटो चल रहे हैं बाइक्स कार्स चल रही हैं उनसे निकलने वाला धुआं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेंगे आप सिटी से तो आप इंडस्ट्रीज देखेंगे वहाँ से चिमनी से निकलने वाला धुआं ये सारा धुआं हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन द एयर गेटिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड ओवर द ईयर्स कहने को हम मॉडर्न हो चुके हैं हम डेवलप हो चुके हैं पर जितने ज़्यादा हम डेवलप हैं उतना ही ज़्यादा हमने एयर को नुकसान पहुँचाया हुआ है ग्रोइंग अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मोर लैंड This demand is met by using farmlands and cutting down of trees. The cutting down of trees and forests disturbs the balance of gases in the air, which directly affects all living th organisms. The number of vehicles is increasing at an alarming rate, which is causing many-fold increase in the pollutants released by them. Increase in the number of industries has also contributed significantly to air pollution. So subsidi majoric factor urbanization. अर्बनाइजेशन जो बताया गया है ये देखिए ये वर्ड है अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन मतलब लोग गांव छोड़कर शहर में बसना चाहते हैं शहर में जगह है कम अब जगह बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं जो खाली खेत पड़े हैं उन पर कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं पेड़ हमने ख़त्म कर दिए तो पेड़ ख़त्म करने से हमने गैसेस का बैलेंस ख़राब कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन कम होती जा रही है ओके दूसरी चीज़ इसमें हमें बताई गई है ये देखिए vehicles भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ही ज्यादा व्हीकल्स और जितने ज़्यादा व्हीकल्स उतना ही ज्यादा फ्यूल कंजप्शन और फ्यूल से निकलेगा आपका कार्बन और स्मोक दूसरा है आपका इंडस्ट्रीज तीसरा है आपका इंडस्ट्रीज भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज उतना ही ज़्यादा उनसे निकलने वाला धुआं इन एडिशन टू दीज फॉरेस्ट फायर्स एक्सीडेंटल फायर्स इन ऑयल वेल्स लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड बर्निंग ऑफ ड्राई लीज ऑल्सो रिलीज नंबर ऑफ हजार डिज गैस इज विच पोल्यूट द एयर इसके अलावा कुछ नेचुरल फिनोमिना जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी होते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूट होती है जंगलों में आग लगना ठीक है ऑयल फील्ड यानी कि तेल के कुओं में अपने आप आग लग जाना ये होता है इसकी वजह से भी धुआँ उसमें से निकलता है जो माइंस होती हैं कोल माइन है, है खदान है जब इनमें आग लग जाती है तो भी इनसे गैसेस निकलती हैं अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में रह के हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती हैं जैसा कि मैं बात कर रही थी ना एयर पॉल्यूटेंट्स एयर पोल्यूटेंट्स एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब ये देखिए एयर पोल्यूटेंट्स एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी एयर को खराब करते हैं ऐसी वो चीज़ें जिस जो जब एयर में मिल जाती हैं तो हम कहते हैं कि हमारी एयर खराब हो गई सबसे पहले है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल डीजल एंड वुड तो जब पेट्रोल डीजल और वुड पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द कंज्शन सॉरी कम्बर्शन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स इसके अलावा कार्बन मोनोआक्साइड्स नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट को जलाने से भी निकलती है इट लोअर्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इट इज़ अ पॉइजनस गैस विच कैन स्लो और रिफ़्लेक्सेस एंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस कैन इवन प्रूव टू बी फेटल एक्चुअली होता क्या है कि कई बार बोलते हैं कि सर्दियां जैसे शुरू होती हैं तो हीटर जला रह जाए कमरे में या फिर आ, जो अंगीठी लोग पहले जलाते थे वो अगर जली रह जाए और सारे खिड़की दरवाजे बंद हों और उसमें अगर कोई आदमी हो तो उसकी मौत हो सकती है होता क्या है कि जब उसमें अंगीठी में कोयला जलना शुरू होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हेमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है हमारे आर से अटैच हो जाती है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से अगर किसी ने अंगीठी बंद कमरे में जलाई हुई है तो उस आदमी की मृत्यु हो सकती है दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टीटुएंस जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ द एयर इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड तो कार्बन डाइऑक्साइड आते ही सबसे पहले माइंड में आता है फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड की ही हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इट इज मेनली रिलीज इन टू द एयर बाय रेस्पिरेशन एंड कम्बर्शन ऑफ फ्यूल्स हाउ एवर ड्यू टू इनहसड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली कार्बन डाइऑक्साइड नो डाउट हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए तो हानिकारक है डायरेक्टली पर इनडायरेक्टली वो प्लांट्स यूज करते हैं तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है और हमारे लिए जो प्लांट्स हैं वो खाना प्रोवाइड करा सकते हैं फाइबर्स प्रोवाइड करा सकते हैं इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं पर एक लिमिटेड अमाउंट की ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एन्वायरमेंट में रहनी चाहिए अब हो क्या रहा है कि पेड़ हो रहे हैं कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एट इनहेंड कंसनट्रेशन इट एक्ट एज अ पोल्यूटेंट और जब यह एक लिमिटेड अमाउंट से बढ़ जाती है तो हम इसको एयर पोल्यूटेंट मानते हैं यानी अब ये हमारी एयर को गंदा कर रही है इट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ न क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी सी एफ सीज क्लोरोफ्लोरोबन आर गैसेज दैट आर रिलीज मेनली फ्रॉम एयर कंडीशनर्स रेफ्रिजरेटर्स एंड एरोसॉल स्प्रेज सी एफ सी इज़ रिलीज इन टू एयर लीड टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर तो ये जो क्लोरोलोरोबन्स हैं ये आपके फ्रिज एरोसोल जो स्प्रे यूज करते हैं ना आप डिओड्रेंट्स के और इन सब के इन स्प्रेज में से निकलती है आपकी फ्रिज में से निकलती है ए सी में से निकलती है ओके और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को ख़त्म करने का काम करती है और हम सब जानते हैं कि ओजोन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट शील्ड्स अर्थ फ्रॉम द हार्मुल अल्ट्रावाट रेज ऑफ द सन हम सबको पता है कि ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायोलेट रेज से बचाती है अब है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड मे इवन लीड टू परमानेंट लंग डैमेज सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही जहरीली है लंबे समय तक अगर हमारी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स रहेगी तो लंग्स तक परमानेंट डैमेज हो सकते हैं इट कम्बाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राईऑक्साइड जब ये सल्फर डाई जुड़ जाती है ऑक्सीजन के संग तो बना लेती है सल्फर ट्राई सल्फर ड्राई रिएक्ट्स विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच मेक्स रेन वाटर एसिडिक होता क्या है जो सल्फर डाई है ये जुड़ती है ऑक्सीजन से और बनाती है सल्फर ट्राई सल्फर ट्राईऑक्साइड जब जुड़ती है वाटर वेपर से यानी एच टू ओ गैस की फॉर्म में ठीक है ये मैंने गैस लिखा है गैस की फॉर्म में जब ये जुड़ती है तो ये बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर बना लेती है और वो सल्फ्यूरिक एसिड पानी के संग मिलकर हमारी अर्थ पर रेन की फॉर्म में आ जाता है और क्योंकि इस रेन में एसिड होता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसलिए इस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन नाउ लीड लीड इज़ हार्मफुल मेटल प्रेजेंट इन पेट्रोल डीजल लीड बैटरीज पेंट्स एंड डाइज तो जो लीड है इसको लीड को लेड भी पढ़ते हैं तो जो लेड है आपका ये एक बहुत हार्मफुल मेटल है और ये आपको बैटरीज़ में मिलेगा इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम इट ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू हार्ट एंड किडनीज ना सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर यानी कि एस पी एम ये आपको कई बार न्यूज़ चैनल पर मिलेगा कि एस पी एम का लेवल ये हो गया है एस पी एम का लेवल बढ़ गया है एस पी एम का लेवल कम हुआ है तो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्मोक एंड डस्ट विच रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर ये क्या होते हैं सॉलिड पार्टिकल होते हैं सॉलिड uh, होते हैं स्मोक और डस्ट के पार्टिकल दीज आर रिलीज इन टू द एयर फ्रॉम वहीकुलर एमिशन एग्जॉस्ट फ्राम फैक्ट्रीज़ एंड अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन की वजह से इंडस्ट्रीज़ की वजह से ये सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं और हमारी एयर में मिक्स हो जाते हैं इट इज़ ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ हेज विच रिड्यूज विजिबिलिटी इवन जो कोहरा होता है न पहले तो क्या होता था कोहरा होता था पर अब एक्चुअली इस कोहरे में न ये और ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाती हैं एक धुंध छा जाती है और ऐसी धुंध गर्मियों तक में छा जाती है तो ये जो धुंध होती है ये एक्चुअली यही पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूटेंट होते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर होता है द फाइन पार्टिकल्स वेन इनहेल्ड कॉज लंग डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस बाय द बर्निंग फ्यूल्स सचेस पेट्रोल डीजल और कोल तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसमें से निकलती हैं दीज गैसेज कॉज कफिंग वीजिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यू माइट a फॉगी हेज़ ओवर सिटीज़ ड्यूरिंग विंटर आपने देखा होगा सर्दियों में तो ये बढ़ जाती है दिक्कत हालांकि गर्मियों में भी रहती है कई बार ऐसा आप देखिएगा महसूस करिएगा कि सामने सब कुछ दिखना बंद हो गया है सड़क पर ओके सर्दियों में ये दिक्कत और ज़्यादा हो जाती है तो आपने देखा होगा सिटी के ऊपर बिल्कुल धुंध छा जाती है कुछ भी नज़र नहीं आता दिस इज़ कॉल्ड स्मोक इसको फॉग नहीं बोलेंगे इसको कोहरा नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे स्मोक पोल्यूटेड एयर कंटेन स्मोक एंड सैवरल अदर एयर पोल्यूटेंट्स द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द स्मोक कम्बाइन विद द विंटर फॉग एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स टू फॉर्म स्मोक नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके वाटर वेपर के संग और बाकी चीज़ों के संग मिक्स हो जाते हैं और आपको स्मोक की फॉर्म में नज़र आता है स्मोक लिट्स टू एक्सट्रीमली लो विजिबिलिटी बड़ा ही देखने की क्षमता ये कम कर देता है बिल्कुल पास से पास भी कोई चीज़ आसानी से नजर नहीं आती है ओके okay. uh, इसके अलावा ये कफिंग आइज इरीटेशन इस ये भी हो जाता है हैवी स्मोक ऑल्सो प्रिवेंट द सनरेज फ्रॉम रीचिंग अस विच मे रिजल्ट इन ऑफ विटामिन डी इसके अलावा जब ये इतनी धुंध छा जाएगी तो सूरज की रोशनी भी प्रॉपर नहीं आ पाएगी अर्थ के सरफेस पर हमें नहीं मिल पाएगी सन रेज और हमारे अंदर हो जाएगी विटामिन डी की कमी अब हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में एसिड रेन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टिल देन Bye-bye.